गाधर जूना नामक शादीशुदा व्यक्ति लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और बाद में शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित लड़की ने मामले को थाने में दर्ज करा दिया, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक पीड़ित लड़की को न्याय नहीं मिला है। पुलिस फरार चल रहे आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके खिलाफ आज बीजेपी महिला मोर्चा ने क्योंझर एसपी ऑफिस पहुंचकर विरोध जताया और एसपी को एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और पीड़िता को न्याय मिलने की मांग की गई है। साथ ही आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी ना होने पर थाना घेराव करने की चेतावनी भी दी गई। तो आपको बता दें कि क्योंझर जिले के ठिरुआ निवासी एक आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। उसी गांव के निवासी गयाधर जीना नामक शादीशुदा व्यक्ति पर आरोप लगा है कि उसने इस लड़की के साथ झांसा दिया, उसे शादी का और शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन जब लड़की ने शादी के लिए उससे बोला तो शादी से इनकार करने लगा, जिसके बाद ये पूरा मामला दर्ज करा दिया गया। हालांकि अभी तक इस पर गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर आज बीजेपी महिला मोर्चा पहुंचे थाने में और वहां जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा। हमारे खुनिया गांव की एक लड़की है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसको एक लड़का ने बैला फुसला कर फंसा के उसको प्रेगनेंट कर दिया है। 4 महीना 5 महीना प्रेगनेंट है और उसके बाद उसको छोड़ दिया है और वो लड़की को मैंने दर्द ठोकर खा रही है, उसको कोई मतलब उसका सुन नहीं रहा है। तो हम लोग महिला मोर्चा की जितनी सारे ग्रुप है सब मिलके उसको हम लोग को न्याय दिलाने के लिए एसपी ऑफिस आए हैं। वो लड़का जो ये है लड़की में उसको अरेस्ट किया जाए और इस लड़की को अगर होगा तो उसके साथ शादी करे, नहीं तो फिर उसका जो भी खर्चा होगा सरकार उसको वहन करे। और अगर इसका केस जो हम लोग दिए हैं अगर उसमें न्याय नहीं मिले तो हम लोग उसको महिला मोर्चा की तरफ से हम लोग उसको आंदोलन करेंगे। एक माइनर है इसका, लड़की का 3 महीने का प्रेगनेंट में है, वो जो आखिर जो 3 महीना हो गया वो फरार है, उसको हम पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी हम इसको अरेस्ट करेंगे और फरार करेंगे, जैसे कि ये आदिवासी लड़की जो है उसको जस्टिस मिलेगा, हम लोग कोशिश करेंगे और पूरा जस्टिस। रायगढ़ के टाउन हॉल